अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। एशिया कप 2023 का आज एक फैसला कौन मैच हो रहा है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच जो है वो इस वक्त एशिया कप का सेमीफाइनल बन चुका है। वैसे तो एशिया कप में सेमीफाइनल नहीं था, प्ले ऑफ और मरहले के बाद डायरेक्ट फाइनल में जाना था, लेकिन अभी ये मैच जो है वो सेमीफाइनल बन चुका है। वो इसलिए कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी इंडिया के खिलाफ और जो हारेगी वो वापस घर जाएगी। तो इसी तरह आज की मैच की अगर बात करें बारिश की, तो कोलंबो में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी बारिश चल रही है और दिन को 90% चांस जो है वो बारिश के हैं। तो अगर ऐसी सूरत में बारिश हो जाती है और मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो ये पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और श्रीलंका जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वो इस तरह क्वालिफाई कर जाएगा कि श्रीलंका का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्लस में जा रहा है, और पाकिस्तान ने जो इंडिया से शिकस्त खाई है उसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो माइनस में। अब बात यह कि इंडिया से तो शिकस्त दोनों ने खाई है, पाकिस्तान ने भी और श्रीलंका ने भी, लेकिन पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई थी वो बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, 230 रन से शिकस्त थी, जिस वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है नेट रन रेट में माइनस में चला गया था। तो अब अगर बारिश हो जाती है और मैच मुकम्मल नहीं हो पाता, फिर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस तरह दोनों टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, तीन तीन हो जाएंगे। फिर बात आएगी नेट रन रेट में, और नेट रन रेट श्रीलंका का ज़्यादा होने की वजह से श्रीलंका जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान घर वापसी का टिकट कटाएगा। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि आज बारिश ना हो, मुकम्मल मैच हमें देखने को मिले, फैसला कौन मैच हो जो पाकिस्तान की फतह के साथ ख़त्म हो और पाकिस्तान 17 को इंडिया के खिलाफ फाइनल खेले और अपना बदला ले। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ये दिली ख्वाहिश है और पूरे पाकिस्तान इस वक्त ये दुआ कर रहे हैं कि आज बारिश ना हो और मुकम्मल मैच देखने को मिले और पाकिस्तान की फतह के साथ मैच ख़त्म हो। तो आज के मैच में अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बहुत सारी चेंजिंग्स की गई हैं। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, सलमान अली आगा, आर एस रऊफ और नसीम शाह आज की प्लेइंग 11 से बाहर हैं, जबकि मोहम्मद आरिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर और जमान खान को आज की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही क्रिकेट के मुतालिक, एशिया कप के मुतालिक, वर्ल्ड कप के मुतालिक। मज़ीद वीडियोस अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।